हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देख न्यूज में। तो दोस्तों, बिग बॉस की लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर हूँ मैं। तो दोस्तों, जैसा कि कल के एपिसोड में हमने देखा कि हमारे जो बिग बॉस में है, चार सेलिब्रिटी आए और चार सेलिब्रिटीज ने हमारे चार कंटेस्टेंट को नॉमिनेशन से बचाया, जिनमें नाम शामिल है जय का, विशाल का, तेजस्वी का और करण का। जी हाँ दोस्तों, ये चार कंटेस्टेंट कल नॉमिनेशन से सेफ हो चुके हैं और आज हम देखेंगे कि बिग बॉस इन चार कंटेस्टेंट को एक एक टास्क की तरह ही होगा वो, तो उनको बिग बॉस कहेंगे कि जो बचे हुए कंटेस्टेंट्स हैं सारे, उनमें से किसी एक कंटेस्टेंट को उन्हें डायरेक्ट नॉमिनेट करना है, जिसके बाद सभी कंटेस्टेंट डर जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि वो किसका नाम लेंगे। और सभी कंटेस्टेंट उनके पास आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि उनका डायरेक्ट नाम ना ले, और जिसके बाद काफी ज्यादा इनके बीच बहस भी होती है, इन चार कंटेस्टेंट के बीच ये किसका नाम ले। लेकिन एट दी एंड ये आपसी सहमति से नाम डिसाइड करते हैं और मायशा को डायरेक्ट नॉमिनेट कर देते हैं। जी हाँ जो दोस्तों, जिसके बाद जो बचे हुए कंटेस्टेंट्स हैं उनके बीच एक नारियल का टास्क होता है और इसी टास्क के दौरान सिम्बा और उमर में एक तगड़ी फाइट देखने को मिलती है और इस फाइट के दौरान ये फाइट इतनी भर जाती है कि इस फाइट में इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा तू तू मैं मैं और काफी गाली वगैरह भी देखने को मिलती है, जहां उमर जो है वो सिम्बा को गाली दे देते हैं, जिसके बाद सिम्बा अपना आपा खो बैठते हैं और उमर को पुल में धक्का मार देते हैं, जिसके बाद ही जो फाइट है वो एक युद्ध का रूप ले लेती है और काफी कुछ देखने को मिलता है। जिसके बाद एट द एंड हम देखते हैं कि जो कंटेस्टेंट है, काफी सारे कंटेस्टेंट सेव हो जाते हैं, लेकिन कुल पांच कंटेस्टेंट जो है वो नॉमिनेट हो जाते हैं, जिनमें नाम शामिल है अफसाना का, उमर का, सिम्बा का, मायशा का और ईशान का। जी ये पांच कंटेस्टेंट नॉमिनेट हो चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस हफ्ते इन पांच कंटेस्टेंट में से कौन एविक्ट होता है। वेल, आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिग बॉस की सारी अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल देख न्यूज के साथ। धन्यवाद।